राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की खबरों के बीच जब राजस्थान के सीएम पद का सवाल उठा तो जयपुर में राजनीति की नई बिसात बिछ गई। एक तरफ खिलाड़ी खुद गहलोत हैं तो दूसरी ओर पायलट। बीती रात गहलोत समर्थक करीब 85 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। गहलोत के समर्थक विधायकों ने शर्तें रख दी हैं। उनके मुताबिक पहली शर्त है कि सीएम का चुनाव गहलोत के 102 विधायकों में से किया जाए। दूसरी शर्त ये कि अशोक गहलोत की पसंद को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी और सबसे अहम शर्त ये कि 18 अक्टूबर के बाद नए सीएम का ऐलान हो। सारे एमएलए का एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देश की राजनीति करने की तैयारी में है, लेकिन राजस्थान से मोह भंग नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक गहलोत की चाहत है कि कोई उनका चहेता चेहरा ही सीएम पद को संभाले और उस लिस्ट में सचिन पायलट नहीं है। गहलोत के हिमायती विधायक सचिन पायलट को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। उनकी दलील है कि जून 2020 में उन्होंने 19 विधायकों के साथ बगावत की और गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा किया, लिहाजा अब वो पायलट को बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के इस मुख्य मोर्चे को मिलकर ये तय करना होगा कि 2024 में बीजेपी की बुरी हार हो। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के सभी दल अगर एकजुट होकर लड़े तो देश को बर्बाद करने वालों से हमें निजात मिल जाएगी। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा नहीं है और बीजेपी देश में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो उनके लिए जितना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे, और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। INLD की रैली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज केंद्र में बैठे लोग चाहते हैं कि इस देश में केवल बीजेपी और संघ ही हो, बाकी सब समाप्त हो जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जो आखिरी हथौड़ा मारा है, अब वो इससे उठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है कि सांप्रदायिक ताकतों को 2024 में उखाड़ फेंकना। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, क्योंकि अमित शाह पूर्णिया में आए थे तब उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वहां एक भी ईंट नहीं लगी। लालू जी कभी झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन सखियों के आगे। उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। फतेहाबाद की रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि समय आ गया है कि हर कोई 2024 में केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में काम करे। शरद पवार ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में बदलाव लाना वास्तविक समाधान है और सभी को 2024 में केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रविवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से रविवार को 10 जनपद पर मुलाकात की। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित INLD के सम्मान दिवस रैली के बाद नीतीश कुमार लालू यादव को साथ लेकर 10 जनपद पहुंचे। बिहार में नई सरकार के बाद पहली बार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता पर चर्चा की गई। के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तनाशाही की तरफ जा रहा है। कहीं भी
समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, डरवाया, इससे कोई डरने वाला नहीं है। अशोक गहलोत आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर 30 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। 30 सितंबर को ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख है। 24 सितंबर को नामांकन शुरू होने पर शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि भेजकर फॉर्म के 5 सेट मंगवाए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हुआ। एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अंकिता भंडारी के परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग हत्या के दोषियों को फांसी, परिवार को मुआवजे और फांसी की मांग कर रहे थे। सीएम धामी ने परिवार वालों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिवार वाले अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पंजाब सरकार और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी विवाद खत्म हो गया। गवर्नर ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गवर्नर ने 27 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ कुपवाड़ा में माछिल इलाके में हुई। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। दिल्ली के झंडे वालन और छतरपुर मंदिर में देर रात से ही भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई। सुबह की आरती के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखी। सतना जिले के मेहर में मां शारदा शक्तिपीठ में प्रथम आरती और दिव्य दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। कोविड काल की पाबंदियां खत्म होने के बाद का ये पहला शारदीय नवरात्र है। नवरात्र में लगभग 12 से 15 लाख भक्तों के मेहर पहुंचने का अनुमान है। देवी दर्शन के लिए भक्त त्रिकुट पर्वत की 1063 सीढ़ियां चढ़कर दरबार में पहुंचते हैं। यहां आने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। खास बात यह है कि पहले मैच में हार के बावजूद भारत ने लगातार 2 मैच जीतते हुए ये कमाल किया। आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया ने 187 का लक्ष्य दिया था। भारत ने एक गेंद रहते सिर्फ 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। भारत के सामने 187 रनों का लक्ष्य था। शुरुआत ठीक नहीं रही। KL राहुल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा भी इस मैच में कमाल नहीं कर सके। 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारत ने हौसला नहीं खोया। विराट के साथ सूर्या की जोड़ी जमी और जीत की राह आसान हो गई। दोनों के बीच 104 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी हुई। विराट ने अपना अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा किया।